हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स यूपी एनएचएम एएनएम स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2020 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर सीरीज़ में ये वीडियो है आपका पार्ट नंबर 70। और इससे पहले के कई सारे वीडियोज जो अप्रॉक्स 70 के अब वीडियोज़ हैं, और वो अगर आपने नहीं देखा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपको यूपी एनएचएम एएनएम स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2020 का लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, और वीडियोस आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो सभी टॉपिक्स पे वीडियोस क्वेश्चंस हैं, और क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो है आपका जो प्रीवियस एग्ज़ाम एएनएम और स्टाफ नर्स के होते हैं अदर स्टेट में, तो उनसे क्वेश्चंस उन्हीं के क्वेश्चंस हैं और आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ओके तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन मिल पाएगी आपको हर आने वाले वीडियोज़ की। और इस वीडियो को प्लीज़ अभी सेलेक्ट कर दीजिए लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। तो फ्रेंड्स देखेंगे आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, रोटा वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? ऑप्शंस ओरल, बी आई एम यानी कि इंट्रा मेस्कुलर, और सी है इंट्रावेनस यानी आईवी, और डी है सबक्यूटेनियस। तो रोटा वैक्सीन पूछा जा रहा है यहाँ पे किस रूट से दी जाती है, किस माध्यम से दी जाती है। तो ये है आपका ओरल, ओरल रास्ते से आप ओरल रूट से दी जाती है, और ये बच्चों के मुंह से, मुंह के माध्यम से दी जाती है। ओके यानी ओरल रूट से दी जाती है। और फ्रेंड्स तो आपका इसमें आपका ऑप्शन सही होगा ए, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट है। और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन रोटा वैक्सीन के बारे में दे देता हूँ। रोटा वैक्सीन क्या है, ये रोटा वायरस को ख़त्म करने के लिए दी जाती है, और ये वैक्सीन रोटा वायरस की वजह से बच्चों में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा दस्त आते हैं और फीवर भी आता है, और बॉडी में क्या डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हर साल लाखों बच्चे इस दुनिया में डेथ होती हैं बच्चों की। और उसको ख़त्म करने के लिए, उसके उसको उन्मूलन करने के लिए क्या है, रोटा वैक्सीन दी जाती है रोटा वायरस को ख़त्म करने के लिए। तो ये ओवरऑल रूट से दी जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, विजाइना से वाइट डिस्चार्ज दिखाई देता है। ओके तो किस प्रॉब्लम में ये समस्या होती है, तो ये है आपका ट्राइकोमोनासिस, एंड बी सिफिलिस, और सी है गोनोरिया, एंड डी है कैंडिडियासिस। ओके तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये है डी कैंडिडियासिस। ओके तो इसमें क्या होता है, एक ये एक ईस्ट होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, जो कि क्या होता है, जिसके वजह से वजाइना में इन्फेक्शन होता है और वाइट डिस्चार्ज आता है। ओके तो ये आपका डी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट है हमारा, ब्रेस्ट मिल्क को कमरे के तापमान पर कितने घंटे स्टोर किया जा सकता है? तो ब्रेस्ट मिल्क को रूम टेम्परेचर पर कितने घंटे तक स्टोर किया जा सकता है, ये है आपका, इसमें ऑप्शंस है आपके 2 घंटे और 4 घंटे, और सी 10 घंटे और 8 घंटे। ओके तो इसमें आपका ऑप्शन क्या है, 4 घंटे। ओके ब्रेस्ट मिल्क को कमरे के तापमान पर कितने घंटे तक स्टोर किया जा सकता है, 4 घंटे तक इसको स्टोर किया जा सकता है, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हाइपोटेंशन में कौन सा फ्लूड दिया जाता है? ऑप्शंस नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज 10% और एनएस 53% एंड रिंगर लैक्टेट। ओके तो हाइपोटेंशन में फ्लूड दिया जाता है आपका रिंगर लैक्टेट, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट, हाइपोटेंशन में रिंगर लैक्टेट दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वाशरकोर का लक्षण नहीं है। क्वाशरकोर का लक्षण कौन सा सिम्टम नहीं है? ऑप्शंस एडिमा, और बी है डिक्रीज वेट, और सी है फैटी लीवर, और चेंज इन द स्किन एंड हेयर। ओके, तो क्वाशरकोर का सिम्टम कौन सा नहीं है? ये है वजन कम होना। ओके, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। यानी क्वाशरकोर के जो सिम्टम होंगे वो क्या होंगे? एडिमा, जो कि एक सूजन स्वेलिंग आती है, और इसमें क्या, फैटी लीवर, यानी कि वसा यकृत पे यानी लीवर में वसा का जमाव होना, और डी है आपका जो स्किन और हेयर का कलर चेंज होना। ओके, तो ये क्वाशरकोर के सिम्टम है, और वजन कम होना ये क्या है, इसका सिम्टम नहीं है। और जो आपका क्वाशरकोर और मेरास्मस है ये किस वजह से होता है? ये प्रोटीन की कमी से होता है, और ये क्या, मोस्टली बच्चों में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसका बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है आपका, डेक्सामेथासोन का प्रयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं इन्फेक्शन, कार्डियक डिसरिदमिया, एंड सी है हाइपरग्लाइसीमिया, एंड डी है एनाफिलैक्सिस। ओके, तो डेक्सामेथासोन का प्रयोग किया जाता है आपका एनाफिलैक्सिस की ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, और इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये इसका डी ऑप्शन सही होगा। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा, फेशियल ओरल रूट से हेपेटाइटिस वायरस फैलता है। यानी फेकल ओरल रूट से कौन सा हेपेटाइटिस वायरस फैलता है? ऑप्शंस हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए एंड डी, हेपेटाइटिस बी। तो फेकल ओरल रूट से हेपेटाइटिस वायरस फैलता है आपका सी, यानी कि हेपेटाइटिस ए। ओके, और बी और सी क्या होता है? बी और सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, यानी कि ब्लड और या कोई बॉडी फ्लूड है उसके वजह से हेपेटाइटिस बी और सी होता है, और ये दोनों क्या होते हैं, ये वायरस काफ़ी फैटल यानी काफ़ी घातक होते हैं। ओके, और यहाँ पे पूछा जा रहा है फेकल ओरल रूट से ये फैलता है हेपेटाइटिस ए, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा टेट्रासाइक्लिन प्रोफिलैक्सिस के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस लेप्टोस्पायरोसिस, बी ब्रुसेलोसिस, एंड सी है कॉलरा, एंड डी है मेनिंजाइटिस। तो टेट्रासाइक्लिन प्रोफिलैक्सिस के रूप में प्रयोग किया जाता है लेप्टोस्पायरोसिस। फ्रेंड्स, लेप्टोस्पायरोसिस एक ऐसी ऐसी डिजीज़ है, क्या होता है, जिसमें कि किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, और ये मोस्टली क्या होता है, जो चूहे होते हैं उनके मल मूत्र के माध्यम से क्या होता है, लेप्टोस्पायरोसिस नामक डिजीज़ होती है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय जनगणना नीति के अनुसार लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ऑप्शंस ए 18 वर्ष, बी 22 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 16 वर्ष। ओके, तो राष्ट्रीय जनगणना नीति के अनुसार लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी 18, और यहाँ पे अगर बात करी जाए लड़के की उम्र तो ये होनी चाहिए 21, यानी कि 18 और 21 वर्ष होनी चाहिए लड़के और लड़की की न्यूनतम आयु विवाह के लिए। ओके, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्न में से कौन सी वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं है? ओके, तो वेक्टर यानी कि जो किसी कीट के माध्यम से जो डिजीज होती हैं, फैलती हैं, उनको क्या कहते हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज कहते हैं। तो ऑप्शंस इसमें है प्लेग, एंड बी है फाइलेरियासिस, एंड सी है हेपेटाइटिस, एंड डी है मलेरिया। ओके, तो क्या नहीं फैलता है वेक्टर के माध्यम से? ये है
हेपेटाइटिस यानी कि हेपेटाइटिस क्या किसी वायरस के माध्यम से फैलता है, और ये जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज़, ये है प्लेग, फाइलेरियासिस एंड डी है मलेरिया। क्योंकि फाइलेरियासिस मलेरिया क्या होता है, ये फैलता है एक मच्छर के द्वारा, और प्लेग क्या है चूहे के माध्यम से फैलता है। तो क्या है वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कौन सी नहीं ये पूछा जा रहा है, ये इसका ऑप्शन है सी हेपेटाइटिस, ओके, जो कि वायरस के द्वारा फैलता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन सी वैक्सीन फ्रीजर में नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं पोलियो, डीपीटी यानी कि ट्रिपल एंटीजन जिसको कहते हैं, सी है एमएमआर और डी है मीजल्स, ओके। तो कौन सी वैक्सीन फ्रीज़र में नहीं रखनी चाहिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। तो डीपीटी वैक्सीन फ्रीज़र में नहीं रखनी चाहिए, और इट्स इसका बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे हैंड हाइजीन के लिए क्या होना चाहिए, कितने मोमेंट WHO ने निर्धारित किए हैं, यानी हाथ की स्वच्छता, यानी जब आप हाथ धोते हैं तो उसके कितने मोमेंट निर्धारित किए गए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ऑप्शन है पहला 7 और बी है 8 और सी है 5 एंड डी है 6। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन होगा सी 5, यानी कि 5 मोमेंट निर्धारित किए गए हैं WHO के द्वारा, ओके, यानी कि हाथ की स्वच्छता। फ्रेंड्स, हाथ की स्वच्छता जो हैंड हाइजीन है वो आपके पर्सनल स्वच्छता में, पर्सनल हाइजीन में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर आप अच्छे से हाथ धोते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, आप कई सारी बीमारियों से बचाव कर सकते हैं अपना, और मोस्टली इसमें हो गया आपका जो फ्लू वायरस होते हैं, और दूसरा होते हैं पेट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो उनसे आप पूरी तरीके से बचाव कर सकते हैं अगर आप अपने हाथ की स्वच्छता रखते हैं। और जब भी प्रेजेंट टाइम में जो आपका COVID-19 जो डिजीज़ चल रही है, जो पूरी दुनिया में फैली हुई, उसमें आपके हैंड वॉश का यानी हैंड हाइजीन का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और अगर आप अपने हाथ को साबुन पानी से क्या है 20 सेकेंड तक धोते हैं अच्छी तरीके से, तो क्या होता है जो आपका नोवेल कोरोना वायरस है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। इसलिए हैंड हाइजीन काफ़ी ज़रूरी है बीमारियों से बचाव के लिए, और इसके मोमेंट WHO ने निर्धारित किए हैं 5 मोमेंट इसके हैं, 5 स्टेप्स में आपको हाथ धोना चाहिए। जैसे कि आप सूप लगाते हैं तो फ्रंट में जो आपकी हथेलियाँ उनको, फिर बैक साइड में, फिर जो आपका अंगूठा होता है वो, और तो इसके क्या है 5 मोमेंट हैं। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही है। एंड नेक्स्ट है हमारा लैक्टोज बना हुआ है, लैक्टोज किससे बना हुआ है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, एंड बी है ग्लूकोज, एंड सी है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, एंड डी है फ्रक्टोज, ओके। तो लैक्टोज बना हुआ है आपका ग्लूकोज एंड क्या है गैलेक्टोज से बना हुआ है, यानी कि इसका ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे सीकम, कोलन एंड रेक्टम किस अंग का हिस्सा है, यानी सीकम, कोलन एंड रेक्टम किस ऑर्गेन का हिस्सा है। ऑप्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, बी लार्ज इंटेस्टाइन, सी प्लूरल कैविटी एंड डी है पेरिटोनियम। तो सीकम, कोलन एंड रेक्टम किस अंग का हिस्सा है, ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंतों का, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंतों की और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। और मोस्टली जो हम भी जो भी खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ जो भी लेते हैं तो उसका पूरी तरीके से जो श्रावण होता है, पूरी तरीके से जो अवशोषित की जाती है, जो आपके जो भी बॉडी बॉडी के लिए जो आपके पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के माध्यम से शोषित, उनका अवशोषण किया जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का काफ़ी योगदान होता है हमारे जो पूरा डाइजेशन, जो आपका डाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें, ओके। तो कोलन, सीकम, कोलन एंड रेक्टम किस अंग का हिस्सा है,
लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है, बड़ी आंत का हिस्सा है। एंड नेक्स्ट देखेंगे हम MMR वैक्सीन देने का रूट क्या है। ओके, यानी कि MMR वैक्सीन देने का रूट है, ऑप्शंस सबक्यूटेनियस, बी ओरल, सी नेजल एंड डी इंट्राडर्मल। तो इसके ऑप्शन आपका सही है सबक्यूटेनियस, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये अधत्वचीय माध्यम से MMR वैक्सीन दी जाती है। ओके, तो इसमें आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये रहा आपका वीडियो पार्ट नंबर 70। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे हमको और मोटिवेशन मिले अच्छे वीडियोस बनाने का। और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पे आप ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि और लोगों को इस क्वेश्चंस का बेनिफिट मिल सके। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।